नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप सबको पता चल गया होगा कि कल फ्रेंच इलेक्शंस के सेकंड राउंड के रिजल्ट्स बाहर आए और उसके बाद तो शुरुआत में फर्स्ट राउंड के रिजल्ट्स के टाइम पर मरीन लपेन की राइट विंग नेशनलिस्ट पार्टी आगे चल रही थी उसको पछाड़ते हुए और पूरी तरह पासा पलटते हुए लेफ्ट विंग पार्टीज आगे निकल गई हैं और आने वाले समय में यही लेफ्ट विंग पार्टीज मिलकर फ्रांस में सत्ता बनाने वाली। फर्स्ट राउंड के रिजल्ट्स आए थे तो उस समय भी पूरे फ्रांस में कई सारी जगहों पर दंगे शुरू हो गए थे मरीन लपेन के अगेंस्ट में और जो भी राइट विंग पार्टीज हैं उनके अगेंस्ट। वही सीन कल फिर से देखने को मिला, लेकिन कल वही दंगाई वही प्रोटेस्ट जिसमें कुछ एंटीफा वाले भी बताए जा रहे, यानी कि एंटी फासिस्ट प्रोटेस्टर्स भी बताए जा रहे, उन लोगों ने भी इस दंगों में भाग लिया और वहां पर बहुत ही बड़ी मात्रा में तबाही मचाई। बहुत सारी जगहों पर लूटपाट भी हुई जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सब जो सिनेरियो है वो लेफ्ट विंग पार्टीज के जीतने की वजह से उसके सेलिब्रेशन में उसकी खुशी में वहां पर जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए थे और वो लेफ्ट विंगर्स हैं उन लोगों ने मिलकर इस प्रकार से वहां माहौल खड़ा किया था। तो ये जो सेलिब्रेशन का माहौल है, हमने जैसे कि अपने एक्स अकाउंट पे ट्वीट कर भी बताया था कि ये जो सिचुएशन है, ये जो सिनेरियो फ्रांस में खड़ा हुआ फ्रेंच इलेक्शंस के बाद, वो सिनेरियो आने वाले कुछ सालों तक चलने वाला है क्योंकि ये जो लेफ्ट विंग पार्टीज हैं वो सोरोस गैंग से बिलोंग करती हैं। वही सोरोस जिसने $1 बिलियन डाल के भारत में इलेक्शन इंटरफेरेंस करने की बात खुलेआम कही थी, उसी सोरोस गैंग को ये लेफ्ट विंग पार्टीज फ्रांस की भी बिलोंग करती है। और उन लोगों का जो मंत्र है उसमें पूरे यूरोप में प्लान ये है कि जहां जहां भी लेफ्ट विंग की सरकारें हों उन सभी जगहों हर महीने 1 मिलियन असाइलम्स को लिया जाए और इन असाइलम सीकर्स को शुरुआत में जो मेंटेन करने के लिए पैसा दिया जाएगा, उनको घुसपैठ करवाने के लिए पैसा दिया जाएगा, उनको रखने के लिए मेंटेन करने के लिए शुरुआत में जो पैसा दिया जाएगा वो जॉर्ज सोरोस के द्वारा और उसकी पूरे कबाल के द्वारा दिया जाएगा। अब ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, किस बिना पर कह रहे हैं, ऐसा हमारे पास कौन सा प्रूफ? तो जॉर्ज सोरोस का 2015 में लिखा हुआ एक स्पेसिफिक प्लान है फॉर यूरोप जिसमें ये बातें स्पष्ट रूप से कही गई है कि यूरोपियन कंट्रीज में 1 मिलियन असाइलम्स लिए जाए और उनको वहां पर यूरोपियन कंट्रीज में बसाया जाए। अब ये असाइलम्स कहां से आएंगे, तो बात बहुत ही स्पष्ट है। ऐसे असाइलम सीकर्स यूजुअली वहीं से आते हैं जिन कंट्रीज की कंडीशंस बहुत ही पुअर हो, बहुत ही वीक हो। तो वो जो कंट्रीज हैं वो ज्यादातर मिडल ईस्ट में है और वैसी कंट्रीज अफ्रीका में है। तो वहीं से कई सारे असाइलम ढूंढते हुए यूरोप के अलग अलग देशों में घुस रहे हैं, अलग अलग देशों में जाकर बस रहे हैं और वहां पर जो लेफ्ट विंगर्स हैं और वो जॉर्ज सोरोस सपोर्टेड एनजीओस वो लोग उनको रहने की, उनको मेंटेन करने की, उनको खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। अब ये जो पूरा प्लान है वो खुद हंगेरी का जो प्राइम मिनिस्टर है विक्टर ओरबान, उसने भी अपनी एक रीसेंट स्पीच में बताया है, सुनिए। I do remember how Mr. George Soros published his plan in English in a project syndicate publication. It was done 2015, September 26th. And he published a plan. He said that he is my, I'm quoting, he writes the 6 components of my comprehensive plan. I just quote 2 or 3 points of that. First is, he said very clearly, 2015, that, quoting again, EU has to accept at least 1 million asylum seekers annually. That was the first point. Second, he said, adequate financing is critical. And he proposed to issue long-term euro bonds for financing the migration crisis and the migrants' social and welfare taking care when they arrive to the European Union. And another point which is very important for Hungary, which is involving the territory of Hungary directly into this program, he said that, quoting them, safe channels must be established for asylum seekers, starting with getting them from Greece and Italy to their destination countries, which means to bring them to Greece, to Hungary, and then have them to go to Austria. So don't forget that what we are speaking about is not an accidental story, not a bulk of 10 years of accidental story. It's a plan which is going on. It was written. It was published. It's known. So we are fighting again an organized gang called Empire of George Soros, NGOs, who are just supporting everybody who is transgressing our legal system and our regulation.
and financing illegal activity against our nation. So this is why the story is not just about migration, but it's about how this European Union is working and how George Soros was able to captive the main positions inside many institutions of European Union, buying out MPs and other leaders, and in order to execute the plan which is written, and it's against all the Christian and nation-based political forces. It's against us. It's about how to change Europe and how to eliminate and push aside all the Christian, conservative, national-based political leaders and voters from the European Union decision-making bodies. So this is the migration about, not just about migration. Sorry for it. So, जैसे कि आपने सुना विक्टर ओरबान को, जो कि हंगेरी के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो रिसेंटली रशिया विजिट करके निकले हैं और हाल में वो चाइना में हैं और वो यूक्रेन रशिया वॉर के बीच में पीस बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उसने ये बयान दिया था कुछ समय पहले कि जॉर्ज सोरोस का ये प्लान है कि यूरोपियन कंट्रीज में हर एक कंट्री में एक एक मिलियन असाइलम को, मतलब कि एक एक मिलियन, मतलब कि 10-10 लाख लोगों को बाहर से दूसरे देशों से उन यूरोपियन कंट्रीज में बसाया जाए, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो कोई भी अन्य यूरोपियन कंट्री हो। तो उसी पर चलते हुए ये जो आने वाले समय में फ्रांस की परिस्थितियां दिख रही हैं, वो और भी बदतर होने वाली हैं, तो उसके लिए हम लोगों को मेंटली तैयार रहना होगा और कोई भी शौक की चीज नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इस चीज हम यानी कि भारत से क्या वास्ता। सवाल बहुत ही जायज है। इसका वास्ता ये है कि भारत अलग अलग क्षेत्रों में ये जो लेफ्ट विंग वाले हैं और जो वामपंथी हैं और ये जो जॉर्ज सोरोस और कुछ एनजीओस का पूरा गैंग है, वे लोग मिलकर अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्ट्रेटेजीज अपना रहे हैं, अलग अलग लोगों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन जगहों पर और बाद में उन लोगों के द्वारा उस क्षेत्र में उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वही जो उनकी पूरी स्ट्रेटेजी है, उसका एक पार्ट है कश्मीर में जो चल रहा है, खालिस्तान के नाम पर पंजाब में जो चल रहा है, भारत के जो सदर्न स्टेट्स में चल रहा है, एक द्रविड़ नाडु बनाने की जो बात चल रही है, एक नैरेटिव चल रहा है, और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट के जो सेवन सिस्टर्स हैं उसमें जिस तरह से म्यांमार में कुकी मिलिटेंट्स के द्वारा खास करके मणिपुर में उपद्रव करवाया जा, उसके चलते ये बात स्पष्ट हो रही है कि ये जो पूरा गैंग वो भारत अलग अलग स्ट्रेटेजीज अलग अलग क्षेत्रों में इंप्लीमेंट कर रहे हैं और सेम स्ट्रेटेजी वो लोग फ्रांस में और अन्य यूरोपियन कंट्रीज में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसी प्रकार की स्ट्रेटेजी वो लोग मणिपुर में भी और संभवतः मिजोरम में भी आने वाले समय में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। उसी को की इंसर्जेंसी की वजह से हाल में मणिपुर में जो दंगे हो रहे हैं वो काफी ही मात्रा में बढ़ गए हैं और रिसेंटली जिरीबम करके एक जो मणिपुर का एरिया है उसको कुकीज ने कब्जे में ले लिया है और वहां पर उनके पास जो हथियार है वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, एलएमजीज हैं, एसएमजीज और साथ ही में कई सारे ग्रेनेड्स और उस प्रकार के अन्य एम्युनिशंस और आर्म्स भी पाए गए। ये जो सब चीजें हैं वो सस्ती नहीं होती हैं, इनके लिए फंडिंग बहुत ही जरूरी है। इन लोगों का फंडिंग कहां से आता है ये अगर आप सोचेंगे, उसके ऊपर अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से ये जो सारे गैंग्स हैं, जो कबाल्स हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में बैठे हुए हैं, वो अलग अलग देशों में अलग अलग स्ट्रेटेजीज के तहत उन्माद फैलाकर उन देशों में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रशिया में हो, चाहे वो भारत में हो या फिर किसी भी अन्य यूरोपियन कंट्री में हो। तो आने वाले समय में हम लोगों को चौकन्ना रहना होगा, इन सभी चीजों से अवेयर रहना होगा। हम लोग कॉन्स्टेंटली इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तो जिस तरह से भी अपडेट्स आती हैं उनको कंपाइल करके, उनको कनेक्ट करके, डॉट्स को कनेक्ट कर हम लोग आपके समक्ष रखते हैं जिस तरह से आज हमने रखा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं ये हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाए बिना ना जाए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।